लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। यह सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह पूरे गठे से बना है। इसके अंदर चार डिब्बे होते हैं। यह ढक्कन के अंदर चमकीली झिल्ली होती है, पन्नी वाली चमकीली। यह शीशा है, इसमें सूरज की रोशनी पड़ते हैं। फिर सूरज की रोशनी पड़ने पर टकराकर किस पर पड़ती है? ये धातु पर। हाँ, धातु के रखे डिब्बों पर जिसमें हम खाना बनाते हैं। ठीक। और पूरे गठे से बना इसको है। काला रंग क्यों किया है? इसको काला रंग क्यों किया है? सूरज की रोशनी इसको जल्दी खींचती है। जी, सूर्य की गर्मी जो है काले रंग की चीजों को क्या करती है, जल्दी से अवशोषित कर लेती है ना। इस कारण इसको पूरे डिब्बे को काला कर दिया है। इसमें जो चार डिब्बे रखे हैं उसके बाहरी हिस्से को काला क्यों किया गया है? उसको भी जल्दी से खाना, ताकि खाना जो है जल्दी पक जाए। और ये कौन सा है, ये किससे बना होता है? ये कांच का, जिसे सूर्य की रोशनी टकराकर इन डिब्बों पर पड़ती है और खाना जो है जल्दी पक जाए। ठीक है, गर्म होता है। ठीक। फिर सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, समझ गए? हाँ। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है।